जय हिंद। आप सबका स्वागत हमारे चैनल पीजे क्रिक लाइव में। कोल्हापुर टस्कर्स और रत्नागिरी जेट्स के बीच में महाराष्ट्र प्रीमियर लीग का चौथा मैच होने वाला है, जो कि शाम को 8 बजे से होगा। और फिलहाल के लिए ये महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे में खेला जाएगा। इसी ग्राउंड पर पिछले 3 मैच हुए हैं और इसी ग्राउंड पर यह भी मैच होगा। दोनों टीमें 2023 में एक एक मैच अपना खेल चुकी हैं। कोल्हापुर टस्कर्स ने एक मैच खेला और वो हार गई थी उस केटी के खिलाफ। उसके अलावा रत्नागिरी जेट ने पिछली ही रात को मैच को जीत लिया था, बाद में चेस करते हुए आरजे को हराया था। और इस तरीके से दोनों टीमों का सफर रहा है। अब बात करेंगे पिच रिपोर्ट और प्रेडिक्शंस की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर दोनों टीमों के पिछले परफॉर्मेंस की। तो दोनों टीमों ने इसी ग्राउंड पर मैच खेला है और केटी ने अपना मैच हार गई, जबकि आरजे अपना मैच चेस करते हुए जीत गए। महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में बारिश के चांस बहुत ही ज़्यादा है। मौसम काफ़ी ज़्यादा क्लाउडी है यहाँ पर और बहुत ही ज़्यादा नम मौसम है। बारिश होने के लगभग 70 से 80% चांस है कि मैच के टाइम पर भी बारिश हो सकती है। ह्यूमिडिटी 90 के आसपास की रहने वाली है। 2 मैच यहाँ पर हुए हैं और दोनों ही मैच को यहाँ पर फिलहाल के लिए बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने जीत लिया है। और एवरेज स्कोर इस ग्राउंड का 144 रनों का रहा है, जबकि सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर 146 रनों का यहाँ पर नज़र आता है। हाईएस्ट टोटल की बात करें तो यहाँ पर 147 रन बने हैं और जो कि एसआर के द्वारा यहाँ पर बनाया गया था। वैसे इस ग्राउंड की बात करेंगे तो यहाँ पर फिलहाल के लिए ओस नहीं आती है। बाद में बैटिंग करना वैसे यहाँ पर वैसे आसान होता है, लेकिन इस महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में एमपीएल से पहले जो महाराष्ट्र प्रीमियर लीग है, इससे पहले जितने भी मैच हुए उसमें पहले बैटिंग करके टीम जीत जाती थी। लेकिन अभी जो पिछले 2 मैच हुए हैं, लो स्कोरिंग मैच भी हुई, साथ ही साथ बाद में बैटिंग करना आसान हुआ और टीम यहाँ पर जीतती चली गई। वैसे बात करें ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मौसम के ऊपर निर्भर करती हैं, क्योंकि मौसम काफ़ी नम है, बारिश होने के चांसेस रहते हैं। इस वजह से बाद में यहाँ पर चेस करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। बॉल टर्न भी काफ़ी ज़्यादा करती है और स्पिनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद रहती है। कल दिन में जो मैच हुआ था उसमें भी यहाँ पर स्पिनर्स को थोड़ा सा मदद था, रात वाले मैच में भी कुछ इसी तरीके से देखने को मिला था। और फिलहाल के लिए अब बात करेंगे स्पिन और फास्ट बॉलिंग की, तो स्पिनर्स को ज़्यादा मदद यहाँ देखने को मिलती है। वैसे पिछले 10 मैचों में 50% विकेट फास्ट बॉलर को मिले हैं, 50% विकेट स्पिनर्स को मिले हैं। लेकिन जो यहाँ पर अब का कंडीशन बना है 2023 में जो एमपीएल प्रीमियर लीग चल रहा है, इसमें थोड़ा सा स्पिनर्स के लिए मदद ज़्यादा बढ़ी है यहाँ पर और लगभग 10 से 15% के आसपास स्पिनर्स को ज़्यादा विकेट मिलते हुए नजर आए। कल दिन वाले मैच में अधिकतर विकेट स्पिनर्स ने लिए, रात वाले मैच में भी कल स्पिनर्स ने ही सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे। फास्ट बॉलर को उतना ज़्यादा मदद देखने को नहीं मिला है, तो स्पिनर्स पर थोड़ा सा आपको भरोसा यहाँ पर रखना पड़ेगा। या फिर आप जो भी फास्ट बॉलर लें उनको तो लें ही प्रॉपर तरीके से, लेकिन जो ऑलराउंडर फास्ट बॉलर हैं उनको टीम में थोड़ा सा ज़्यादा जगह देने की आपको ज़रूरत है। अब दिन वाला जो मैच हुआ था वो बारिश के कारण डीएलएस मेथड से उसका रिजल्ट आया था। अब ये तो पिच रिपोर्ट हुई, उसके अलावा बात करेंगे कौन कौन से वो प्लेयर होंगे जिनको आपको टीम में रखना चाहिए और अच्छे परफॉर्मेंस आपको करके देने वाले हैं। केटी टीम की तरफ से आपको कैप्टन केदार जाधव मिल जाएंगे। केदार जाधव का वैसे पिछला घरेलू फॉर्म तो काफ़ी अच्छा रहा था और उनको आपको टीम में जरूर रखना चाहिए। टीम में आप कैप्टन भी कर सकते हैं केदार जाधव को, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आपको करते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा आप विद्या तिवारी को आप टीम में कर सकते हैं, इनका जो रिसेंटली फॉर्म रहा है काफ़ी अच्छा था और इस वजह से आप इनको टीम में कर सकते हैं। उसके अलावा एक और प्लेयर्स हैं और इनका नाम है नौशाद शेख। नौशाद शेख का जो पिछला फॉर्म रहा है काफ़ी अच्छा रहा था, बढ़िया परफॉर्मेंस ये करते हुए नजर आए थे और फर्स्ट क्लास मैच हो, उसके अलावा फर्स्ट क्लास मैचों में तो बढ़िया परफॉर्मेंस रहा ही। हैदराबाद के खिलाफ सेंचुरी लगाई थी, असम के खिलाफ बढ़िया इनिंग खेली थी, पंजाब के खिलाफ और मुंबई के खिलाफ भी बढ़िया परफॉर्मेंस करते हुए नजर आए थे। तो यहाँ पर नौशाद शेख को टीम में कर सकते हैं, काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस आपको करके देने वाले हैं। उसके अलावा कुछ और प्लेयर हैं और जिसमें नाम आते हैं यहाँ पर बवाने का, जो अब बवाने हैं उन्होंने जो पिछला परफॉर्मेंस किया था वो काफ़ी अच्छा था। अंकित बवाने का जो घरेलू मैच था, फर्स्ट क्लास मैच हो या फिर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो, वहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट होकर के करते हुए नजर आए थे। एक एज ए ऑलराउंडर आपको मिल जाएंगे, बॉलिंग में भी बढ़िया परफॉर्मेंस करते हुए नजर आए हैं और इस लीग में बॉलिंग भी करते हुए नजर आएंगे। तो ये तो केटी की तरफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स थे। उसके अलावा बात करेंगे अब आरजे की तरफ से, तो कल रात में काफ़ी सारे प्लेयर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। आजिम काजी जो कि काफ़ी अच्छे फॉर्म में हैं, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएंगे और टीम के कैप्टन भी हैं, तो इनको टीम में कर सकते हैं। उसके अलावा विकेट कीपर इनकी टीम की तरफ से फिलहाल के लिए धीरज हैं। धीरज का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा था और इनको भी आप टीम में कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा आर पाटिल जिन जो बहुत ही बढ़िया बैट्समैन हैं, रिसेंट फॉर्म इनका काफ़ी अच्छा रहा है रोहित पाटिल का। तो रोहित पाटिल पिछले मैच में रात में भी 31 बॉल में 36 रन का योगदान दिया था, बहुत बढ़िया इनिंग खेली थी, तो उनको भी आप टीम में कर सकते हैं। अगर बॉलिंग की तरफ से देखें तो बॉलिंग में भी काफ़ी
काफ़ी सारे ऐसे बॉलर्स हैं जिनको आपको टीम में करना चाहिए, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएंगे। और सबसे पहला नाम बॉलिंग में आता है दिव्यांग हिंगारकर का। दिव्यांग हिंगारकर का जो बॉलिंग परफॉर्मेंस रहा है पिछला बहुत ही अच्छा रहा है, तो इनको आप टीम में कर सकते हैं। कैप्टन के लिए सबसे बेहतर चॉइस आप लोगों के लिए केदार जाधव होंगे, उसके अलावा काजी यहाँ पर दूसरे कैप्टन के चॉइस होंगे, इनको टीम में कैप्टन कर सकते हैं। ये सारे प्लेयर्स बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएंगे। फाइनल टीम जब प्लेइंग 11 आएगी उसके बाद मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, और वो यूट्यूब पर जब मैं लाइव आऊंगा फाइनल लेकर के 7:15 से, तब मैं आप लोगों को फाइनल टीम प्रोवाइड कराऊंगा। तब तक के लिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करके दोस्तों तक शेयर कीजिए। जय हिंद।